Hello and welcome everyone. Today we are going to discuss the section 91 of the Indian Evidence Act 1872. So the Indian Evidence Act 1872, this is the chapter number 6. So the chapter 6 is of the exclusion of oral by documentary evidence. मतलब इस सेक्शन जो चैप्टर है इसमें ये बात करी है कि ऐसे कौन कौन सी बात है या ऐसे कौन कौन से ग्राउंड्स है जब ओरल एविडेंस हम देंगे किसी भी चीज़ का वो एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, ओनली डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ही दिया जाएगा। इस सेक्शन में ये बात करी है, सेक्शन 91 में, कि कब कब आपको सिर्फ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देना है, ओरल एविडेंस नहीं काम आएगा, उसका ओरल एविडेंस एडमिसेबल ही नहीं है। तो सेक्शन 91 में जो बात करी है वो बात करी है एविडेंस ऑफ terms of contracts, grants and other disposition of property reduced to form of document. Evidence वो जो terms of contract में, या तो contract के आपने terms बनाई उसमें, या फिर grants. Grants का मतलब हो सकता है हम जैसे किसी चीज़ को grant में देते हैं, मान लीजिए gift पे दे रहे हैं किसी चीज़ को, तो वो grants. And other disposition of property reduced to form of document. तो अदर कोई भी प्रॉपर्टी का जो ट्रांसफ़र हो रहा है उसको आपने एक डॉक्यूमेंट के फॉर्म में रिड्यूस कर दिया, एक डॉक्यूमेंट बना लिया है उस प्रॉपर्टी के ट्रांसफ़र के लिए। अदर डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब अदर ट्रांसफर्स ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब उसमें ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के सारे जितने भी ट्रांसफर होते हैं, सेल, मॉर्गेज, लीज, गिफ्ट, वो सारे इसमें आ जाएंगे। तो इसमें सेक्शन में आगे बात करी है कि व्हेन द टर्म्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट और ऑफ ग्रांट और ऑफ एनी अदर डिस्पोजिशन ऑफ property have been reduced to the form of a document. जब कोई भी terms contract की, grant या फिर other disposition of property, मतलब other transfer of property जो reduce करी है कोई भी form of document में. And in all cases in which any matter is required by law to be reduced to be form of a document. और कोई भी ऐसे matter जो required by law reduce करने हैं as a form of document. तो ऊपर वाली जो ये line है, ऊपर की जो ये दो लाइन है, इनमें जो बात करी है वो ये बात करी है कि आप यहाँ पे वॉलंटरी किसी भी चीज का कोई भी एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं। तो अगर आपने किसी भी चीज का कोई वॉलंटरी एक डॉक्यूमेंटेशन किया है तो उस चीज के लिए वो डॉक्यूमेंट ही एज अ एविडेंस दिया जाएगा, उसका ओरल एविडेंस नहीं दिया जाएगा। और दूसरे वाले जो इसके पार्ट है उसमें बात करी है एंड इन ऑल केसेस, कि वो सारे केसेस जिसमें लॉ बोलता है कि आपको एक डॉक्यूमेंट बना के ही कोई प्रॉपर्टी का ट्रांसफर करना है, कोई ग्रांट करना है या कोई कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो वहाँ उन दोनों कंडीशन में डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा। तो अब ये जो सेकंड वाली चीज है, इन ऑल केसेस इन विच एनी मैटर इज रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी रिड्यूस्ड टू बी फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट, तो जैसे सेक्शन 17 जो है रजिस्ट्रेशन एक्ट 1901 एक्ट का, उसमें बता रखा है कि कौन कौन से जो ऐसे ट्रांसफर है उनका रजिस्ट्रेशन जब होगा तो उनको डॉक्यूमेंटेशन होना जरूरी है, तो वो रजिस्टर होना जरूरी है, तो रजिस्टर होंगे तो उनका डॉक्यूमेंट बनेगा ही मरेगा। तो ऐसी जो सारी चीजें जो लॉ ने रिक्वायर की हुई है किसी भी चीज में किसी भी जगह जो डॉक्यूमेंट के फॉर्म में होनी चाहिए तो वो डॉक्यूमेंट के फॉर्म में होगी, उसका कोई भी एविडेंस दिया जाएगा वो डॉक्यूमेंट के फॉर्म में ही दिया जाएगा। फिर इसमें आगे बात आती है इन ऑल केसेस इन विच एनी मैटर रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी रिड्यूस्ड टू बी फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट, no evidence shall be given in proof of the terms of such contract, grant or other disposition of property. तो कोई भी evidence नहीं दिया जाएगा इन तीन चीज़ों से related or of such matter except the document itself. उस document के अलावा कोई और चीज़ नहीं देनी है, जिस document में जो बात लिखी है, जो terms of contract, जो grant या disposition of property या transfer of property की जो बात है, उस document के अलावा कोई भी चीज़ नहीं देनी है। और secondary evidence of its contents in cases which secondary evidence is admissible under the provision here in before contained. तो here in before contained मतलब 91 से पहले जहाँ secondary evidence की बात करी, मतलब section 65 को यहाँ पे जो है 65 की बात हो रही है कि section 65 में बात करी है कि secondary evidence आपको कब देना है। तो secondary evidence आपको जब देना है जब वो जो उसमें conditions लिखी हुई है अगर वो fulfill कर देते हो तो आपको secondary evidence देना है। तो यहाँ पे secondary evidence भी दे सकते हो, primary evidence भी दे सकते हो, ये दो चीज़ आ गई, लेकिन वो document के form में होने चाहिए। अब हम आगे बात करते हैं, आगे इसमें एक्सेप्शन दिए हुए हैं। एक्सेप्शन का मतलब होता है कि जो बात ऊपर लिखी होती है, जो सेक्शन पर्टिकुलर जो सेक्शन में लिखी हुई है उसके अगेंस्ट में ये एक्सेप्शन बात करेंगे। तो इसका जो ये पहला एक्सेप्शन है ये बात करता है व्हेन अ पब्लिक ऑफिसर इज रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अपॉइंटेड इन राइटिंग एंड व्हेन इट इज शोन दैट एनी पर्टिकुलर पर्सन हैज एक्टेड एज सच ऑफिसर द राइटिंग बाय विच ही इज अपॉइंटेड नीड नॉट टू बी प्रूव्ड। इसमें बात करें कि अगर कोई पब्लिक ऑफिसर है
वो अपॉइंट किया जाना है, और अगर वो अपॉइंट हुआ ना, उसका अपॉइंटमेंट जो था वो राइटिंग में होना था और राइटिंग में हो चुका है, एंड व्हेन इट इज शोन, ऐसा शो किया जा रहा है कोर्ट में, ये शो किया जा रहा है एनी पर्टिकुलर पर्सन हैज एक्टेड, और वो पर्सन एज एक्ट कर रहा है उस ऑफिसर के जैसे जिस पोस्ट के लिए उसको अपॉइंट किया गया था, तो द राइटिंग बाय विच ही वॉज अपॉइंटेड नीड नॉट टू डू, तो उसका जो अपॉइंटमेंट लेटर है उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, उसके एक्ट से हम ये मान लेंगे कि हाँ ये वो ऑफिसर ही है। दूसरा एक्सेप्शन है कि विल्स एडमिटेड टू प्रोबेट इन इंडिया मे बी प्रूव्ड बाय द प्रोबेट। प्रोबेट का मतलब होता है वो कोर्ट जो विल्स के मैटर में डील करता है स्पेसिफिकली। तो यहाँ पे हम जो बात करेंगे इसमें सेक्शन 100 है इंडियन एविडेंस एक्ट का ही, वो ये बात करता है कि जो इंडियन सक्सेशन एक्ट का जो भी प्रोविजन है जो विल्स से रिलेटेड करते हैं उसमें इंडियन सक्सेशन एक्ट का कोई भी लेना देना नहीं है, कोई भी ग्राउंड इंडियन सक्सेशन उसका वायलेट नहीं करेगा, उसके इनकंसिस्टेंट कोई भी बात नहीं होनी चाहिए। तो विल्स के लिए यहाँ पे एक्सेप्शन है, अगर विल्स जो है वो बनी हुई है जिस टाइप से बनी हुई है उसका रजिस्ट्रेशन उसका डॉक्यूमेंटेशन जैसा है वो इंडियन सक्सेशन एक्ट के अकॉर्डिंग चलेगा, इंडियन एविडेंस एक्ट उसमें कुछ नहीं करेगा। तो विल्स जो है वो एडमिटेड है, जो एडमिट होती है प्रोबेट में, प्रोबेट मतलब वो कोर्ट जहाँ पे विल्स का काम होता है, मे बी प्रूव्ड बाय द प्रोबेट, तो वो उस कोर्ट के द्वारा वो प्रूव की जा सकती है, वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं है। फिर इसमें आते हैं इसके एक्सप्लेनेशन। तो एक्सप्लेनेशन पहला है जो फर्स्ट है वो बात करता है दिस सेक्शन अप्लाइज इक्वली टू केसेस इन विच द कॉन्ट्रैक्ट ग्रांट और द डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी रेफर टू आर कंटेन इन वन डॉक्यूमेंट एंड टू केसेस इन विच दे आर कंटेन इन मोर डॉक्यूमेंट देन वन। तो इसमें ये बात करें कि कोई भी ऐसा जो भी इन तीनों में से कोई भी ऐसी चीज है जो कोई भी एक डॉक्यूमेंट में एक से ज्यादा डॉक्यूमेंट्स में कंटेन है, तो आपको क्या करना है वो सारे डॉक्यूमेंट जिसमें वो सारी बात लिखी हुई है वो सारे उसको प्रूव करने। सपोज मान लीजिए आप कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि मैं आपको मेरी एक जो मेरा मकान है इसको मैं आपको ये सेल करने वाला हूँ, और जो दूसरा मकान है इसको मैं आपको मॉर्टगेज देने वाला हूँ, पहले मकान को मैं सेल कर रहा हूँ दूसरे मकान को मैं मॉर्टगेज कर रहा हूँ, तो इन दोनों के लिए मैंने अलग अलग प्रॉपर्टी का जो ट्रांसफर बनाई अगर अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट बनाया डीड बनाई है, तो ये दो अलग अलग चीज़ है, इन दोनों को मैं प्रूव कर सकता हूँ, ये दोनों इसमें प्रूव हो जाएंगे। फिर इसमें बात करिए वेयर देर आर मोर ओरिजिनल देन वंस देन वन वन ओरिजिनल ओनली नीड टू बी प्रूव। अगर सपोज मान लीजिए एक से ज़्यादा ओरिजिनल है तो आपको सिर्फ एक ओरिजिनल प्रूव करने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल कि प्रोविश जो अपने प्रोमिसरी नोट्स होते हैं आपके पास बहुत सारे प्रोमिसरी नोट है, उसने लिख दिया कि मैं पेमेंट कर दूंगा, उन्होंने दे दिया अलग अलग प्रोमिसरी नोट एक ही चीज़ के एक ही टाइम पीरियड के दे दिए, तो आप उनमें से किसी भी एक प्रोमिसरी नोट को प्रूव कर सकते हैं। फिर इसका एक्सप्लेनेशन 3 है द स्टेटमेंट इन एनी डॉक्यूमेंट वॉट एवर ऑफ अ फैक्ट अदर देन द फैक्ट रेफर्ड टू इन दिस सेक्शन। अगर कोई डॉक्यूमेंट जो कोई भी अदर फैक्ट का है जो इस सेक्शन के फैक्ट से मिलता जुलता नहीं है, अदर देन द फैक्ट रेफर्ड इन दिस सेक्शन, इस सेक्शन के अंदर सिर्फ दो फैक्ट की बात करी है कि या तो आप वॉलेंट्री कोई चीज डॉक्यूमेंट फॉर्म में कर लो या फिर कोई चीज ऑथराइज्ड बाय लॉ है उसको डॉक्यूमेंट फॉर्म में करना है, तो पहली चीज और दूसरी चीज के अलावा अगर कोई चीज आ रही है, और जो सेकेंडरी एविडेंस जो सेक्शन 65 से डील करता हुआ है जहां पर सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं, उन तीन दो चीजों के अलावा कोई भी चीज कोई भी स्टेटमेंट कोई भी डॉक्यूमेंट है तो उसके लिए शेल नॉट प्रिक्लूड द एडमिशन ऑफ ओरल एविडेंस एज टू द सेम। तो उसके लिए ओरल एविडेंस रोका नहीं जाएगा, उस चीज के लिए आप ओरल एविडेंस दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि आप कोई रिसिप्ट दे रहे हैं, किसी ने आपको पेमेंट किया आपने उसको रिसिप्ट दी है, तो उस रिसिप्ट का जो भी आपने बात करी उस रिसिप्ट के बारे में आप ओरल एविडेंस दे सकते हैं कि मैंने उस दिन रिसिप्ट दी थी वो इतने रुपए की थी। तो ये जो एविडेंस ये जो आप स्टेटमेंट देंगे ये जो डॉक्यूमेंट का स्टेटमेंट है वो आप दे सकते हैं, इसके लिए आप ओरल एविडेंस अलाउड है, लेकिन वो इन दो चीज़ों के अंदर नहीं आना चाहिए जो ऊपर जो ग्राउंड दे रखे हैं, या तो कोई भी टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ग्रांट या फिर अदर डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी मतलब अदर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, और दूसरी चीज़ है कि जो ऑथराइज्ड बाय लॉ है कि आपको इसका डॉक्यूमेंट बनाना ही पड़ेगा, इसका डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगा। अब इसके इलस्ट्रेशंस हैं, इलस्ट्रेशंस हम देख लेते हैं। इलस्ट्रेशन में बात करी है इफ अ कॉन्ट्रैक्ट बी कंटेन्ड इन सेवरल लेटर्स ऑल द लेटर इन विच इट इज कंटेन मस्ट बी प्रूव्ड। तो ये जो इलस्ट्रेशन बोल रहा है कि अगर बहुत सारे डॉक्यूमेंट में कंटेन है बहुत सारी चीज़ें तो आप सारे डॉक्यूमेंट प्रूव करेंगे। जो पहला एक्सप्लेनेशन है इसी से डील कर रहा है कि कंटेन इन वन डॉक्यूमेंट एंड केसेज में दे आर कंटेन इन मोर डॉक्यूमेंट देन वन, तो वन भी वो जितने भी सारे हैं आपको वो सारे प्रूव करने हैं। दूसरा इलस्ट्रेशन बात करता है इफ अ कॉन्ट्रैक्ट इट कंटेन इन अ बिल ऑफ एक्सचेंज द बिल ऑफ एक्सचेंज मस्ट बी प्रूव। जो कॉन्ट्रैक्ट अगर बिल ऑफ एक्सचेंज में है तो आपको वो प्रूव करना पड़ेगा, ये सीधे आपका जो मेन प्रोविजन है उससे बात कर रहा है, उससे हिट कर रहा है। फिर है इफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन इन अ सेट ऑफ थ्री, अगर तीन सेट बना दिया आपने बिल ऑफ एक्सचेंज के कि ये भी बिल हो ये दूसरा भी बिल हो तीसरा भी बिल हो, तो ओनली वन नीड टू बी प्रूव, जो ये अपना सेकेंड एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे वेयर देर आर मोर
ओरिजिनल देन वन, वन ओरिजिनल ओनली नेटिव दो, यहाँ पे आप एक ओरिजिनल को प्रूव कर सकते हो। फिर इसमें बात करिए कॉन्ट्रैक्ट इन राइटिंग विद बी फॉर द डिलीवरी ऑफ इंडिगो अपॉन सर्टेन टर्म। इंडिगो आपको देनी है, यहाँ पे ए कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है बी से राइटिंग में कि आपको मुझे इंडिगो देनी है वो सर्टेन टर्म पे। सर्टेन टर्म मतलब ये है कि 5 किलो इंडिगो दे दो, 100 रुपये में आपको दे दूंगा उसके। द कॉन्ट्रैक्ट मेंशन इन द फैक्ट दैट बी हैड पेड ए द प्राइस ऑफ अदर इंडिगो। अब उस कॉन्ट्रैक्ट में जो सारी कंडीशन लिख ली उसके बाद एक अलग से कंडीशन, ये अलग से जो स्टेटमेंट ये डाला गया कि जो कॉन्ट्रैक्ट में अपने ये मेंशन कर रहा है कि जो बी हैड पेड द पेड ए द प्राइस ऑफ अदर इंडिगो, तो कोई अदर इंडिगो की बात कर रहे हैं यहाँ पे। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर वर्बली ऑन अनदर ओकेजन, किसी अदर ओकेजन पे उन पे कॉन्ट्रैक्ट बात कर रहे थे वर्बली, तो उसका भी इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि उस दिन जो मैंने आपसे बात करी थी इंडिगो देने की उसके पेमेंट की भी मैं बात करूंगा, मैं आपको ये पेमेंट दे दूंगा। ओरल एविडेंस इज ऑफर्ड दैट नो पेमेंट वॉज मेड फॉर द अदर इंडिगो, तो यहाँ पे आप ओरल एविडेंस दे सकते हैं कि वो जो अदर इंडिगो है वो उसका पेमेंट नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पे अदर उसकी बात कर रहे जा रहे, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट में बात हुई वो तो प्रेजेंट इंडिगो के ट्रांसफर की बात हुई है कि आप इंडिगो दो आप इंडिगो मत दो, लेकिन ये जो बात कर रहे हैं ये लास्ट जो उनकी कहीं पहले वर्बली बात हुई तो उससे रिलेटेड कोई भी जो बात है उसको ओरल एविडेंस चले जाएगा। ई वाला बात करता है ए गिव्स बी अ रिसिप्ट ऑफ मनी पेड बाय बी। अब यहाँ पे कोई रिसिप्ट दी है ए ने बी को जो उसका जिसने बी ने पे किया था, तो ओरल एविडेंस इज ऑफर्ड ऑफ पेमेंट, द एविडेंस इज एडमिसिबल। सपोज मान लीजिए ए ने कोई रिसिप्ट दी है बी को पेमेंट की, तो वो बी तो ओरल एविडेंस जो रिसिप्ट है इसका दिया जा सकता है और वो एविडेंस जो है वो एडमिसल हो जाएगा। एडमिसल होने के लिए सेक्शन 136 की जो ग्राउंड्स उसमें फुलफिल होते हैं। सो होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।